अर्जुन भाई, नमस्कार नमस्कार। अब बताइए आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो अच्छी थी, परंतु मैं थोड़ा सा थक गया और यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे हैं। हम बहुत खुश हैं और आपसे मिलकर बहुत ही खुश हुई है। आइए बैठिए। अर्जुन, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारे पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, परंतु मैं तुम्हारे अक्ल की दाद देना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्ही ने तो मुझे सद्गुरु यीशु पर निष्ठा रखने और उन्हीं को अपना गुरु मानने में मेरी मदद की, इसमें मुझे तुमसे ज्यादा अधिकार है कि मैं इनसे प्रश्न पूछूं। प्रणाम रावत जी। प्रणाम प्रणाम। और संचिता, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यीशु ग्रंथ में जो लोग पाए जाते थे, उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वास्तव में वो एक दूसरे की कितनी देखभाल करते थे, एक कमाल की बात है। आज हम भी यीशु भक्तों को जरूरत है कि हम भी इसी प्रकार एक दूसरे की चिंता करें। मैंने भी ध्यान दिया है कि वो हमारी ही तरह नित्य सत्संग में मिला करते थे। हमारे शहर में नए यीशु भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर बेचारे नहीं जानते कि यीशु सत्संग के लिए वो कहाँ जाए। हमने देखा है कि बहुत से लोग इस शहर में सद्गुरु यीशु की शिक्षाओं पर चल रहे हैं और उन्हें शक्तिशाली ही नहीं मानते, वरना उन्हें अपना मुक्तिदाता भी मानते हैं। उस समय हम क्या करें जब हम नया सत्संग शुरू करना चाहते हैं? हमारे पड़ोसी, हमारे मित्रगण आते हैं और यीशु ग्रंथ के बारे में और प्रार्थना के बारे में और खोजते हैं। हाँ, यीशु ग्रंथ के मुताबिक जो कोई भी सद्गुरु यीशु और यीशु ग्रंथ को अपना आधार मानकर जीवन व्यतीत करते हैं, यह उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह दूसरों को भी यीशु ग्रंथ के मुताबिक सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना सिखाए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सद्गुरु यीशु की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग और समूह हैं जो हिंदू होने के नाते अपने बहुत से परंपरागत सांस्कृतिक सामाजिक रीतियों और कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हैं और सद्गुरु यीशु को अपना एकमात्र गुरु मानते हुए उसकी भक्ति का पूर्ण आनंद उठा रहे हैं। चलो, जिस सत्संग का नेतृत्व मैं करता हूँ उसके बारे में कुछ देखते हैं। वैसे भी तुम दोनों मेरे सत्संग में कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हो, तो अब समय आ गया है कि करीबी रूप से देखा जाए कि मैं अपने सत्संग में क्या करता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में जब तुम अपने अपने जगहों पर सत्संग करोगे तो इससे तुम दोनों को काफ़ी मदद मिलेगी। सत्संग के विभिन्न कार्यों में भाग लेने के द्वारा आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ सकता है और आप सद्गुरु यीशु के बारे में और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और आप लोग आपस में विचार विमर्श करने के द्वारा कई नई तरीकों की भी खोज कर सकते हैं जिससे आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ सके। नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए आप। नमस्ते। मैं लगभग 2 साल से इस सत्संग का नेतृत्व कर रहा हूँ। स्वामी जी का कहना है कि मुझे नेतृत्व के गुण विरासत से ही मिले हैं और मैंने सद्गुरु प्रभु यीशु का अनुसरण बड़ी ही विश्वास योग्यता के साथ किया है। स्वामी जी का कहना है कि वह एक विश्वास योग्य व्यक्ति जिसका समाज में आदर हो उसकी खोज कर रहे हैं। मैंने अपने परिवार और मित्रों को इकट्ठा करके शुरुआत करी थी। हम नियमित रूप से प्रार्थना और यीशु ग्रंथ अध्ययन के लिए एकत्रित होते हैं। यीशु ग्रंथ में जो सद्गुरु यीशु ने कहा है
उसे ध्यानपूर्वक देखकर और अपने जीवन में लागू करके हम लोगों के सामने एक नमूना पेश कर सकते हैं। हर सप्ताह हम नियमित रूप से मिलते हैं और इस दौरान हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं तथा व्यवहारिक मदद भी करते हैं। जो लोग सत्संग का नेतृत्व करते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हर एक यीशु भक्त में सद्गुरु यीशु का आत्मा बसा हुआ है। हम तो केवल उसके सेवक हैं। सद्गुरु यीशु ही परमात्मा और मुक्तिदाता है। हम सब उसके समान रूप से संतान हैं। हर एक सत्संगी ने जो कुछ सीखा है दूसरों को बताने से बहुत उत्साहित होते हैं। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सबको इस सत्संग में देखकर। बोलो सनातन परमेश्वर की जय। बोलो पवित्र आत्मा की जय। बोलो सद्गुरु यीशु महाराज की जय। यह दिया सद्गुरु यीशु का प्रतीक है और यह ज्योति परमेश्वर के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है और यह अगरबत्ती हमें यह बताती है कि हमें सद्गुरु यीशु के समान एक सुगंधित भेंट की तरह अर्पित होना है। यीशु ग्रंथ के यूहन्ना 8:12 में सद्गुरु यीशु इस प्रकार से कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में कभी नहीं भटकेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। इन सभी चिन्हों के बारे में यीशु ग्रंथ में लिखा गया है और विभिन्न संस्कृतियों में यीशु भक्त इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि वे परमेश्वर को और गहराई से जान सकें। मनीषा जी, क्या आप सद्गुरु यीशु का भजन गाने में हमारी मदद करेंगी? हाँ, मेरे लिए बहुत आनंद की बात होगी। आइए हम भजन गाएं और सद्गुरु यीशु की भक्ति करें। आइए हम नाम लियो रे भजन गाएंगे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। धन्यवाद देते हैं सद्गुरु यीशु कि तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में शांति है। हम यही प्रार्थना करते हैं
कि हम तेरे नाम को निरंतर जपते रहें। धन्यवाद। तथास्तु। आप सब लोगों का इस सत्संग में स्वागत है। आज हमारे बीच में एक नए अतिथि आए हैं। सुनील जी, क्या आप इनका परिचय देना चाहेंगे? हाँ हाँ, ये हमारे मित्र सिद्धार्थ जी हैं, जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करते हैं। मैंने इन्हें एक दिन सद्गुरु यीशु के बारे में अपने ऑफिस में बताया था, तो इन्हें सुनकर काफ़ी खुशी हुई। इन्होंने कहा कि मैं सद्गुरु यीशु के बारे में और जानना चाहता हूँ, तो मैंने इन्हें इस सत्संग में आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि ये सद्गुरु यीशु के बारे में और ज़्यादा जान सके, उनकी महिमा के बारे में और उनके बारे में। इससे पहले कि हम इस हफ्ते के अध्ययन को शुरू करेंगे, मैं पिछले हफ्ते के अध्ययन के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह हमारे याददाश्त के लिए भी अच्छा है और हमें याद होगा कि अमर हमारे बीच में उपस्थित नहीं था। हमने अध्ययन करना आरंभ किया था कि जब यीशु का जन्म हुआ था तो पूर्वी दिशा से कुछ ज्योतिषी लोग उनसे मिलना चाह रहे थे। तब एक नए तारे ने उनका मार्गदर्शन किया था, जो स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया था। शास्त्रों में ऋषियों और मुनियों ने सद्गुरु यीशु के जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां करी थी, वे सब पूरी हो गई हैं। और सद्गुरु यीशु ने स्वयं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने जीवन को एक बलि के रूप में अर्पित किया, ताकि यह एक महाबलिदान कहा जाए। सतगुरु यीशु के नाम में इकट्ठे हुए मेरे प्रिय सत्संगियों, हम सब सतगुरु यीशु के उस महान बलिदान को याद करते हुए एक भजन गाएंगे। बलि राजा स्वर्ग से उतर आया, बलि राजा। हम देखेंगे कि कैसे सद्गुरु यीशु ने पुनर्जीवन प्राप्त करके मृत्यु, पाप, अंधकार और शैतान की सभी ताकतों पर विजय प्राप्त की। सद्गुरु यीशु ने अपने सभी भक्तों को वायदा किया है कि वे अपने पिता के पास स्वर्ग में जा रहे हैं, जहां पे वे हम सब के लिए, हम सभी भक्तों के लिए एक स्थान तैयार कर रहे हैं। उसने यह भी कहा कि वह तो जाता है, परंतु अपनी पवित्र आत्मा को अपने सभी भक्तों को देगा, ताकि पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन कर सके। उसके बाद सद्गुरु यीशु 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठे और 40 दिन तक अपने शिष्यों के मध्य में रहे, और उसके शिष्यों ने अपनी आंखों से उसे स्वर्ग जाते देखा। जैसे सद्गुरु यीशु ने वायदा किया था कि वह अपनी पवित्र आत्मा को अपने सभी भक्तों के ऊपर भेजेगा, तो इसीलिए उसके सभी भक्त एक कमरे में इकट्ठे होकर पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। जब सभी भक्त लोग पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, तो अचानक एक भयानक सी आंधी आई
और पूरा कमरा कंपित हो उठा। वहां पर सभी भक्त पवित्र आत्मा से भर गए और विभिन्न भाषाओं में बातचीत करने लगे। वहां पर विभिन्न देशों से यहूदी लोग एकत्रित हुए थे और सभी जो कुछ भी कहा जा रहा था उसे अपनी अपनी भाषा में समझ रहे थे। उन्होंने इस संदेश पर विश्वास किया और अंगीकार किया कि वे लोग पापी हैं और केवल सद्गुरु यीशु ही उनका मुक्तिदाता है। जल संस्कार सद्गुरु यीशु के मृत्यु और पुनः जीवन को दर्शाता है। जैसे ही भक्त डुबकी लगाता है तो वह मृत व्यक्ति के समान है और जब वह पानी के भीतर होता है तो वह एक मृत व्यक्ति जैसा है और जैसे ही वह ऊपर उठता है वह ऐसा दिखता है जैसे उसने पुनः जीवन प्राप्त किया है, जैसे कि हमारे सद्गुरु यीशु ने पुनः जीवन प्राप्त किया। वहीं से सद्गुरु यीशु की विश्वव्यापी मंडली की शुरुआत हुई थी और हम देख सकते हैं कि उनके अंदर सेवा भाव, प्रेम और एक दूसरे के प्रति चिंता और एक दूसरे की मदद करना कूट कूट कर भरा हुआ था। हम में से बहुतों ने पापों का पश्चाताप किया और जल संस्कार लेकर सद्गुरु यीशु को अपना एकमात्र गुरु माना है। मुझे मालूम है कि जल संस्कार कितना महत्वपूर्ण क्रिया है और यह बात इस चीज का भी प्रतीक है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन को सद्गुरु यीशु के लिए समर्पित कर दिया है और इससे मुझे पापों की शुद्धि मिली है और मैंने सबको बता दिया है और प्रदर्शित कर दिया है कि मैं अब एक सद्गुरु यीशु का भक्त हूँ। यह जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन यीशु भक्तों की तरह जिनके बारे में यीशु ग्रंथ में लिखा है मैं भी एक यीशु भक्त बन गया हूँ। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ, सही में वह एक विशेष दिन था। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या चमत्कार किया है? पिछले हफ्ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया कि मैं समझ सका कि पहले जो यीशु के चेले थे उनके अंदर दया और प्रेम और वो किस प्रकार से एक दूसरे की चिंता करते थे। उसके बाद उसकी भक्ति और प्रार्थना में हमें बहुत ही आनंद आया। आधी रात्रि तक हम उनकी आराधना करते रहे। ये एक अलौकिक अनुभव था। आज यीशु भक्त जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं हम भी उन्हीं के समान एकता में रह सकते हैं। वाह, बहुत खुश नज़र आ रहे हो रामेश्वर। ऐसा लग रहा है कि आपके आँखों के पर्दे हट गए हैं। इतने खुश तो आप उस समय नहीं लग रहे थे जिस समय भी भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हरा दिया। ठीक है भाई, ठीक है। पिछले हफ्ते मेरी बेटी को बुखार आ गया था। हमने जो सीखा था वो मुझे याद है कि हम शिष्यों को प्रार्थना का अधिकार प्राप्त है जिससे बीमार निरोग हो सकते हैं। प्रिया उस समय मेरे घर पर मौजूद थी और हम दोनों ने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गई। तुम्हें याद है कि मैं किस तरह अपने चीजा पर गुस्सा था? पिछले हफ्ते मैं एक तरह की दुविधा में था। इस हफ्ते जो कुछ अर्जुन ने कहा कि गुस्सा मेरे जीवन में अब प्रबल नहीं होना चाहिए क्योंकि गुस्सा अंधकार और शैतानी शक्तियों को मौका देता है कि वो हम पर हमला कर दे। पर जब सद्गुरु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि कर दिया और उन्होंने अंधकार और मृत्यु के बंधन को तोड़ डाला और जीवित ही वो स्वर्गारोहित हो गए, वही शक्ति हमारे भीतर भी है जिससे कि मृत्यु और अंधकार के बंधन को तोड़ सके
और अपने जीवन को बदल सके। ओह हाँ, मुझे याद है जब अर्जुन ने हमें बताया था कि जब हम सद्गुरु यीशु को आधार मानकर दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो हमारा स्वभाव गुस्सैल ना होकर शांत हो जाता है। पर मुझे पता नहीं कि मेरे जीजा को क्या हो गया था, लेकिन मेरे भीतर कुछ था जो क्षमा करने नहीं दे रहा था। मैंने सद्गुरु यीशु से प्रार्थना की कि मेरे जीजा मेरे घर आए, और वो आए भी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। मैंने जब अपने जीजा को देखा तो हैरान हो गया और उसके बाद हमने एक दूसरे को क्षमा कर दिया और सारी कड़वाहट समाप्त हो गई। पर जब मैं उन्हें सद्गुरु यीशु के बारे में बता रहा था तो मेरे जीजा ने स्वीकार किया कि मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया है, और वो मुझसे कहने लगे कि मुझे और जानना है सद्गुरु यीशु के बारे में। सद्गुरु यीशु की महिमा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो। सुनकर बहुत अच्छा लगा। यह बात सत्य है कि जब हम सद्गुरु यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो ना केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों का जीवन बदल जाता है। हम सब सद्गुरु यीशु की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। तथास्तु। मुझे व्यापार के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाना पड़ा, तब मुझे इस एक बात का एहसास हुआ कि भक्त जनों के साथ संगति करना मेरे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आप लोगों के बिना तो अधूरा अधूरा सा लग रहा था। लगभग दो हफ्ते पहले मैं एक लालच में पड़ गया। मेरे जो बॉस थे उनका जो मुनाफा हुआ था उसको मैंने सोचा कि मैं अपने जेब में रख लूं, और तब वो सुबह में मैं जो वचन पढ़ा था यीशु जी के ग्रंथ से, तो वो वचन मुझे याद आ गया और वो इस प्रकार था, अपने आप को लालच से बचाए रखो। और आदमी जो है संपत्ति से ही सच्ची जीवन नहीं जी सकता है। जब मैंने ऐसा बात याद मुझे आया वचन से तो मुझे बड़ी आत्मग्लानी हुई ये बात से। हालांकि मैंने कुछ रखा नहीं, परंतु ये सब सोच करके मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ। हमारे अंदर जो आत्मा है वो सद्गुरु यीशु की आत्मा है जो हमारे जीवन को बदलती है। अमर भाई, क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें? अर्जुन भाई, आप क्या सोच रहे हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। परमात्मा, हम भाई अमर के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। भाई को हर अजमाइशों और लालच से बचा के रखिए, हर परीक्षाओं से बचा। हम सब सत्संगी एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की चिंता, आपसी संबंधों को सुधारने में और सद्गुरु यीशु की आज्ञा पालन करने का हम सब बहुत प्रयत्न करते हैं। इसमें एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वह सही समय पर सत्संगी की मदद करता है ताकि वह मार्ग से ना भटके। यदि आप सत्संग का नेतृत्व कर रहे हैं तो यह बात ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ के बारे में मालूम हो, और अगर आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे और उसका उत्तर आपको ना मालूम हो तो आप सद्गुरु यीशु से मदद मांग सकते हैं कि वह यीशु ग्रंथ के माध्यम से आपको उत्तर दे दे। आने वाले सप्ताह में आप प्रार्थना करें और यीशु ग्रंथ का अध्ययन करें ताकि पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे सकें। और सत्संग का नेतृत्व करने के नाते यह ज़रूरी हो जाता है कि हर एक नए अगुए को प्रोत्साहन मिले। आइए, जब हम यीशु ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हम अपने मन की गहराई से इस पर ध्यान करें और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। आइए हम सब ध्यान करें। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने कहा था कि इस हफ्ते हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर ध्यान करेंगे
जिसमें सद्गुरु यीशु का सामना एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति से हुआ था और यह कथा यीशु ग्रंथ के मरकस नामक किताब के 5वें अध्याय के 1-20 तक के वचनों में लिखा गया है। सद्गुरु यीशु ने उसे प्रेत आत्माओं के उत्पीड़न से आज़ाद कर दिया था और ऐसा कोई और नहीं कर सकता है। जगदीश, मैंने तुमसे कहा था कि मरकुस के 5वें अध्याय से तुम उस कहानी को आज सुनाओगे, तो क्या तुमने उसको कंठस्थ किया है कि तुम उसको यीशु ग्रंथ में से पढ़कर सुनाओगे? हाँ, मैंने 2 बार पढ़ ली है और मुझे लगता है कि मुझे याद हो गई, तो पर भी यीशु ग्रंथ ले लेता हूँ, यदि जरूरत पड़ी तो एक बार देख लूँगा। आइए हम प्रार्थना करें, आप मेरे पीछे दोहराएं। हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, आप हमें इन पवित्र वचनों को समझने की शक्ति वह समझ दें। तथास्तु। इन वचनों के द्वारा ही हमारा जीवन स्थिर रहता है, तो आइए हम इसे ध्यान से सुने। इससे पहले कि हम इस कहानी के बारे में विचार विमर्श करें, पवित्र आत्मा को समय दें कि वह हमें इसके अर्थ को समझा सके। एक बार यीशु ने तय किया कि अपने शिष्यों के साथ झील के उस पार चलें। अतः यीशु और उनके शिष्य नौका में सवार हुए और झील के उस पार चले, जहाँ एक दूसरे समुदाय के लोग रहते थे। जब यीशु नौका से उतरे तो वहाँ पर एक आदमी जो प्रेत आत्माओं से ग्रसित था और जो शमशान स्थल में और निर्जन स्थानों में रहता था, यीशु की ओर दौड़ा। वह आदमी दिन रात चिल्लाया करता था और अपने आप को पत्थरों से घायल कर लेता था और निर्वस्त्र इधर उधर दौड़ा करता था। लोग उसे मोटी मोटी जंजीरों और साकलों से बांध कर रखते थे, लेकिन वह जंजीरों को तोड़ देता और साकलों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। और किसी भी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसे वश में कर सके। परंतु जब उस प्रेतग्रस्त मनुष्य ने प्रभु यीशु को देखा तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु यीशु, परम प्रधान प्रभु परमेश्वर के पुत्र, आप समय से पहले मुझे क्यों सताने आए हैं? लेकिन यीशु ने उन दुष्ट आत्माओं को आदेश दिया कि उस मनुष्य के अंदर से निकल जाएं और उसे छोड़ दें, और तुरंत ही दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से निकल गईं और वह मनुष्य स्वस्थ मन हो गया और वह अपने होश में आया और उसने अपने कपड़े पहने। जब प्रभु यीशु उस स्थान से प्रस्थान करने लगे, तब वह आदमी प्रभु यीशु के पास आया और उनसे विनती करके कहने लगा कि प्रभु उसे अपने साथ ले चले, लेकिन प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, वरन उससे कहा कि जा अपने परिवार, अपने लोगों और अपने समुदाय के पास जा, और जो कुछ भी दया और करुणा का कार्य प्रभु परमेश्वर ने तेरे लिए किया है वह सब उन्हें बता। और उस मनुष्य ने प्रभु की आज्ञा के अनुरूप कार्य किया। आइए हम इन बातों पर, इस कहानी पर ध्यान और मनन करें। कहानी सुनाने के बाद अक्सर थोड़ी देर मौन रहना और जो कुछ कहानी सुनाई गई है उस पर ध्यान लगाते हैं और इसमें परमेश्वर उन्हें विचार देता है जिससे वह उस पर विमर्श कर सकें। कुछ क्षण वचनों के ऊपर ध्यान लगाने के बाद जो कुछ भी विचार हमें परमेश्वर देता है उसे हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। परमेश्वर सभी यीशु भक्तों को पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान देता है और सभी यीशु भक्त इस ज्ञान के द्वारा यीशु ग्रंथ को समझने में एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सद्गुरु यीशु ने प्रेत आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को आज़ादी दी
और उस समय ऐसा और कोई नहीं कर सकता था। कभी कभी मैं ऐसे लोगों को देखकर डर जाती जिसमें प्रेत आत्मा है, और इस कहानी में वह व्यक्ति तो बहुत बुरी तरह से ग्रसित है। चेन तोड़ने से लगता है जैसे प्रेतों ने उसे अति मानवीय शक्ति दे दी हो। डैडी डैडी, शक्तिमान भी चेन तोड़ सकता है तो क्या प्रेत को भी हरा सकता है? हाँ हाँ बेटा, टीवी में तो सब कुछ हो सकता है, परंतु वो टीवी थोड़ी था, वो तो असली जिंदगी थी। सदगुरु यीशु के लिए प्रेत आत्मा को हरा देना चुटकी का काम है, इसलिए तो गुरु ने उस आदमी को आजाद कर दिया। अब यदि मैं कोई प्रेत आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को देखती हूँ तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि प्रभु यीशु से मदद मांग सकती हूँ। जब मैंने इस सत्य कहानी को सुना तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सदगुरु यीशु के पीछे चलना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने समाज और संस्कृति को त्याग दें, परंतु अपनी संस्कृति और समाज और परिवार में ही रह करके सदगुरु यीशु ने हमारे जीवन को और हृदय को कैसे परिवर्तन किया है बता सकते हैं। यह व्यक्ति जो पूरी तरह से बदल चुका था और सदगुरु यीशु का एक भक्त बन गया था, वह सांस्कृतिक तौर पर एक यहूदी नहीं था, परंतु वह यहूदी यीशु भक्तों के साथ शामिल होना चाहता था। परंतु सदगुरु यीशु कदाचित नहीं चाहते थे कि वह अपने संप्रदाय को छोड़कर एक यहूदी बन जाए। इसके बजाय सदगुरु यीशु ने उसे बताया कि वह अपने संप्रदाय में रहकर उसकी भक्ति कर सकता है, और उसे आदेश दिया कि वो वापस अपने परिवार में जाए और अपने संप्रदाय के लोगों के साथ और अपने मित्रों और अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ यह बांटे कि उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया है। हमें हमेशा नए यीशु भक्तों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आया है वो अपने परिवार एवं मित्रों को बता सके, ताकि वो ये महसूस कर सके, ये अनुमान लगा सके कि उनके जीवन में कैसे सदगुरु यीशु ने परिवर्तन लाया और उन्हें स्वतंत्र किया। यही एक अच्छा माध्यम है सदगुरु यीशु की शिक्षाओं को फैलाने का। इस लेखन से स्पष्ट हो जाता है कि सदगुरु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, और वह एक संपूर्ण गुरु है, और वह हमारी प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में चिन्ह दिखाता है और चमत्कार करता है, और उसके नाम से लोग चंगे हो जाते हैं। जैसे ही मैं यीशु ग्रंथ के लेखांश के ऊपर ध्यान करने लगी तो आत्मा ने मुझे इस तरह चुनौती दिया कि मैं जीवन के हर कार्य में नित्य विश्वास योग्य बने रहूं, चाहे मेरे परिवार या मित्रगण सदगुरु यीशु के समान मैं सबके लिए आशीर्वाद का कारण बनो, जिससे लोग मेरे अंदर सदगुरु यीशु का प्रेम को पा सके। जब मैं यीशु ग्रंथ में से सुन रहा था तब पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को मेरे परिवार की ओर लगाया। मुझे ऐसा लगता है कि सदगुरु यीशु ने उस प्रेत ग्रस्त व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। इसका ये मतलब नहीं कि सतगुरु यीशु उस शहर के प्रत्येक लोग को प्यार नहीं करते थे। सतगुरु यीशु उस शहर के प्रत्येक लोग को बहुत प्यार करते थे। सतगुरु यीशु चाहते थे कि वो लोग उन्हें जाने तो एक आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करें। इस बार जब दीपावली की छुट्टियों में मैं अपने परिवार में गया था तो देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा परिवार मेरी तरह सदगुरु यीशु की सच्चाइयों को नहीं पहचानते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सदगुरु यीशु मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं अपने बड़े भाई के परिवार से जाकर मिलूं और उन्हें सदगुरु यीशु के प्रेम और मुक्ति के बारे में बताऊं। शुरू में तो मैं घबरा गया, परंतु मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई
कि वे मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और वे सदगुरु यीशु के बारे में और जानने की इच्छुक थे। मैं सचमुच जानता हूँ कि सदगुरु यीशु जीवनों को बदलते हैं अगर हम नित्य प्रार्थना में लगे रहें और लोगों को यीशु के बारे में बताएं। सदगुरु यीशु मुझे बताते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि क्या मैं लगातार अपने मित्रों और परिवार के साथ एकता और प्रेम में चल रहा हूँ या नहीं। यदि मैं उन्हें नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि सदगुरु यीशु ने आपके जीवन को कैसे छुआ है? हाँ अर्जुन, मैं बताना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में देखा है कि सदगुरु यीशु न केवल बीमारों को चंगा करते हैं और पापों से क्षमा करते हैं बल्कि हमें एक असीम आनंद से भर देते हैं। सदगुरु यीशु स्वस्थ चले गए, वो आज भी जीवित हैं और हमारे बीच में रहते हैं। वो बीमारों को चंगा करते हैं, पापों से मुक्ति देते हैं और हमें एक संपूर्ण जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं। हाँ रामेश्वर, आप तो एकदम एक परिवर्तित व्यक्ति की तरह बातचीत कर रहे हैं। क्या आप और सुनील जी मेरी सहायता करेंगे कि संगति के बाद हम सिद्धार्थ जी से कुछ बातचीत कर सके? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अगर कोई और भी आना चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है, अब हम वापस उस कहानी की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि सदगुरु यीशु अपने भक्तों से क्या अपेक्षा रखता है। हाँ, जब मैं लोगों से सदगुरु यीशु की कहानी सुनाता हूँ तो उनके पास गुरु के विषय में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वह कहते हैं कि क्या सदगुरु यीशु का अनुसरण करने से हमारे आर्थिक जीवन में भी फर्क आएगा, और जो वचन हमने आज पढ़ा उसमें भी आशीषों के बारे में वर्णन किया गया है। हाँ, सदगुरु यीशु हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है, पर वह हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ज़्यादा रुचि लेता है और वह चाहता है कि हमारे भक्ति का केंद्र अध्यात्म हो ना कि भौतिक। यदि हमारी लौ परमात्मा से लगी है तो हम हर एक वस्तु में प्राथमिकता केवल परमात्मा को ही देंगे। सदगुरु यीशु की आज्ञा पालन ही सर्वश्रेष्ठ है, और यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमारा मन प्रसन्न रहेगा, और यदि हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो उससे हमारा परिवार सुखी रहेगा। बहुत अच्छा जगदीश, पहले के यीशु भक्तों ने किस तरह अपने विश्वास को कायम रखने के लिए विभिन्न समस्याओं और संघर्षों का सामना किया, इसके बारे में जानने के लिए हम अपने अध्ययन को अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। क्या आप लोगों को परमेश्वर की ओर से शक्ति और मार्गदर्शन की आवश्यकता है? तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसा सदगुरु यीशु ने हमें सिखाया है। जगदीश, क्या आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं? हाँ, ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। प्रभु परमेश्वर, हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु को, जिन्हें आपने संसार में हमारे पापों के लिए बलि होने के लिए भेजा, उन्हें हम स्वीकार करते हैं। परमेश्वर, अपना वचन और अपनी इच्छा हम पर प्रकट करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु ग्रंथ में से आपने हमें बताया है कि हम आपसे मांग सकते हैं और आप बड़ी उदारता से हमें देते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप अपना आत्मा हमें भरपूरी से भरिए ताकि हम आपके मार्ग में चलें। यह प्रार्थना हम आज्ञाकारिता के साथ हमारे मुक्तिदाता सद्गुरु यीशु के नाम से मांगते हैं, तथा याद रहे यह सब बातें हम अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ बांटें ताकि हम सब सभी बुराइयों से बचे रहें और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। याद है ना, सदगुरु यीशु ने कहा था कि अपने प्रभु से पूरे तन, मन, धन और आत्मा से प्रेम करें और अपने ही समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। हम यह याद रखें कि सभी अच्छी वस्तुएं सदगुरु यीशु की तरफ से आती हैं। आप में से
कोई भी व्यक्ति अगर दान देना चाहता है तो वह इस दान पात्र में अपने दान को रख सकता है। यह दान धन या किसी भी वस्तु के रूप में हो सकता है जो किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद में आ सकता है। दान को एकत्रित कर हम अपने समुदाय के गरीब लोगों में बांट देते हैं, और इस बार जो दान एकत्रित हुआ है उसे हम एक हरिया नामक रिक्शे वाले को देंगे जो कि हमारा पड़ोसी है, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला है और शाम को लता और ज्योति उस दान को उनके परिवार तक पहुंचा देंगे। आने वाले सप्ताह में हम लोग रामेश्वर के घर पर मिलेंगे और उसके बाद हम अमर के घर पर मिलेंगे। जब कभी भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना भूलें, जैसा कि हमने आज बात की थी। आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें उस महाबलिदान में भाग लेने के लिए। हम अपने हृदय की गहराइयों से सद्गुरु यीशु के उस महाबलिदान को याद करें जो हमारे लिए दिया गया था। यह जो स्मृति चिन्ह है जो हम सबको एक रीति के रूप में दिया गया है, इसको हम करें। यह जो रोटी है वह सद्गुरु यीशु के शरीर के समान है जो हमारे लिए तोड़ा गया था। यह चाय सद्गुरु यीशु के लहू के समान है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया था। जब हम महाप्रसाद को लेते हैं तो सद्गुरु यीशु के उस महाबलिदान को याद करते हैं जो उसने पूरी मानव जाति के लिए किया था।